नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। अब कांग्रेसी नेताओं ने भी मान लिया है कि कांग्रेस अपने बुरे दौर से गुजर रही है। मुरादाबाद पहुंचे कांग्रेसी नेता सलमान खुर्शीद ने खुद स्वीकार किया कि कांग्रेस बुरे दौर से गुजर रही है। उन्होंने कहा कि इसके लिए बैठकर सोचना होगा और देखना होगा। सलमान खुर्शीद कांग्रेस के कदावर नेताओं में माने जाते हैं। वे केंद्र सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। अपने बयान में उन्होंने कहा कि कांग्रेस कमजोर है नहीं, यह कमजोर हुई है। पार्टी की इस कमजोरी को दूर करना होगा। सलमान खुर्शीद ने कहा कि मैं ये नहीं कह सकता अच्छे दौर से गुजर रही है, आप कह सकते हैं बुरे दौर से गुजर रही है, उस पर हमें सोचना है। राहुल जी से हमें अभी भी उम्मीदें हैं। उन्होंने कहा कि राहुल जी अच्छा काम कर रहे हैं, प्रियंका भी यूपी में है, पिछले दिनों उन्होंने अच्छा काम किया है, चुनाव में बेहतर प्रदर्शन रहा है। कमजोर कहा जा सकता है, लेकिन पिछले अन्य चुनावों के मुकाबले तो बेहतर ही कहा जा सकता है। उनका कहना था कि कांग्रेस कमजोर कहां है, इसे देखना पड़ेगा, सबको बैठाना पड़ेगा। आगामी महाराष्ट्र चुनाव में एनसीपी से तालमेल पर कहा कि जरूरी नहीं किसी से तालमेल एक दूसरे का सामना करने के लिए हो। उन्होंने कहा कि अभी बात चल रही है, फाइनल कुछ भी नहीं है, जो भी निर्णय लेना होगा सोनिया जी के स्तर पर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा तालमेल क्यों कर रही है, वह महाराष्ट्र में घबराई हुई है, उसे डर है कि कहीं महाराष्ट्र में पार्टी की दुर्गत ना बन जाए। एनआरसी को लेकर सलमान खुर्शीद ने कहा कि मुस्लिम खौफ में नहीं है, लेकिन परेशान जरूर है, उनके साथ न्याय नहीं हो रहा। भाजपा सरकार सांप्रदायिकता का जहर घोल रही है, इसको सभी को मिलकर रोकना होगा। कमजोर दूरी करनी है, कमजोरी दूर करनी है। क्यों हो रही है, हो रही नहीं है, कमजोर हुई है, उसकी कमजोरी दूर करनी है। आपका बयान था कांग्रेस बुरे दौर से गुजर रही है और न्यूज हो चुकी है। भाई मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि अच्छे दौर से गुजर रही है, आप कह सकते हो, मैं नहीं कह सकता हूँ। बुरे दौर से गुजर रहे हैं, इसलिए हमको जूझना है, हमको लड़ना है, हमको उसका सामना करना है और उसकी क्या तरकीब होगी उस पर हमें गौर करना है। खुर्शीद जी, आपके द्वारा ये आज तक राहुल गांधी के मुंह से ये वाली बात नहीं सुनी गई है, बल्कि वो यहाँ से चले जाते हैं जब भी ऐसी बात। कहाँ चले जाते हैं, कहीं नहीं चले जाते। राहुल जी को हटाने के बाद कहीं नहीं चले जाते हैं, वो हमारे लीडर हैं, हमारे लीडर है, प्रेसिडेंट नहीं है। हम सब चाह रहे थे कि वो प्रेसिडेंट रहे, उन्होंने इनकार किया, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन लीडर तो है ना। लीडर चेंज हो गए क्या, उनसे आशा नहीं है? प्रेसिडेंट चेंज हुए हैं, लीडर नहीं चेंज हुए। प्रेसिडेंट सोनिया जी आ गई हैं, प्रेसिडेंट लीडर नहीं, लीडर सब वही हैं। सोनिया जी भी लीडर है, राहुल गांधी भी लीडर है, प्रियंका जी भी लीडर है, सब लीडर है। कमजोरी कहाँ आई है, कहाँ नहीं? वही मैंने कहा कि इसको पता करना है, हम लोगों को बैठना पड़ेगा, बिना बैठे कमजोरी दूर नहीं होगी, हमको बैठना है, इसको कमजोरी को दूर करना है। शिंदे साहब एनसीपी से तालमेल की बात कर रहे हैं कि वहाँ भी कमजोरी है। कौन? शिंदे साहब एनसीपी नहीं, कमजोरी देखिए कहीं पर तालमेल, कहीं पे तालमेल जरूरी नहीं है कि कमजोरी का इशारा हो। तालमेल जो है एक रणनीति है दूसरे का सामना करने के लिए। अब ये मत भूलें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन वो तालमेल कर रहे हैं महाराष्ट्र में। क्यों कर रहे हैं, कमजोर है? नहीं, लेकिन एनसीपी साफ मना कर रही है। नहीं कर रही है, मैं यहाँ क्या बताऊँ, तो यहाँ तो आपकी भी आवाज़ नहीं आ रही है। जो वहाँ जो बैठेगी वो बात करेगी, वो करेंगे। अच्छा, मोदी कराने की बात कर रहे हैं, विदेश में भी जाएंगे राहुल साहब? कौन कमांडो जाएंगे विदेश में? अरे वो इनका फैसला है, लेकिन जिस जो सुरक्षा लेता है उसका भी कुछ फैसला होता है। इनका फैसला इन्होंने सुना दिया, उनका फैसला आप सुन लेंगे। सर, कई राज्यों के चुनाव आ रहे हैं, आपको नहीं लगता कि इस तरह के बयानों से नुकसान होगा कुछ कांग्रेस को? किस तरह के बयानों से? जैसे कि राहुल गांधी के, नहीं आपने बयान दिया कि वो नहीं, तो मैं ये कहता कि राहुल गांधी जी जो है वो हमारे प्रेसिडेंट है, मैं ये कहता। अरे जो हकीकत है वो बोली, और मैंने कहा कि अगर वो रहते तो हम और मजबूत होते, वो नहीं रहे तो हमको कंधों पे अपने ये जिम्मेदारी लेनी है। और राहुल जी हमारे लीडर हैं, लेकिन वो जो फैसला कर रहे हैं हम उसका सम्मान करते हैं। तो ये अगर इस स्टेटमेंट से भी नुकसान होता है इस देश में, तो फिर इस देश में हमको सांस भी नहीं लेनी चाहिए, सांस से भी नुकसान होता है। खुर्शीद जी, मामला एनआरसी का है, मुस्लिम समुदाय में कुछ खौफ है, कुछ डर सा है इसका? खौफ किसी में नहीं है, खौफ किसी में नहीं है, लेकिन परेशानी अवश्य है। लोग परेशान ज़रूर हैं कि उनके साथ न्याय नहीं होगा या नहीं हो रहा है,
खौफ नहीं है, कोई डरने वाला नहीं है इस मुल्क में, ये मुल्क इस मुल्क के लोग डरते नहीं है। सर लोकसभा के बाद जो विधानसभा के चुनाव आए हैं अभी, क्या लगता है कांग्रेस कितना मजबूती से चुनाव लड़ेगी? सर मैं जाऊंगा, पठान साहब जाएंगे, हम लोग मजबूती से लड़ेंगे। हम कितने मजबूत हैं वो आपको जो परिणाम आएंगे उससे पता चल जाएगा। मोदी जी डरे हैं? मोदी जी किससे डरे हैं? कौन? मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई कोई नहीं डरा है, परेशान है। अगर मैं आपकी चुटकी लूँगा तो आप परेशान हो जाओगे, अगर मैं आपको कील भोंकूंगा तो आप परेशान हो जाओगे, उसका मतलब ये नहीं कि आप डरे हुए हो। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।